शहर में शुक्रवार रात को आई कोरोना रिपोर्ट में एक और पॉजिटिव मरीज मिला। यह महिला मरीज स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी होकर SNCU में पदस्थ थी। इसके पहले 6 दिन पूर्व SNCU प्रभारी डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद ही SNCU के कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से इस महिला कर्मचारी की रिपोर्ट कल देर रात पॉजिटिव आई। यह महिला कर्मचारी कस्तूरबा नगर की रहने वाली है। प्रशासन ने देर रात को ही कस्तूरबा नगर में कंटेनमेंट एरिया बनाया है। इस महिला कर्मचारी की अब कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा देर रात को कंटेनमेंट बनाने की कार्रवाई शहर SDM लक्ष्मी गामड़ के नेतृत्व में की गई। इस महिला मरीज के मिलने के बाद वर्तमान में रतलाम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 86 हो गई है, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 38 है। ये सभी मरीजों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। कोरोना के कहर से शुरू हुआ लॉकडाउन 2 महीने बाद अनलॉकडाउन होने के बाद भी थमी रफ्तार ने गति नहीं पकड़ी है। हर एक के धर्म पर आस्था होती है, लेकिन इस आस्था पर भी लॉकडाउन था। देवता कैद थे, लेकिन जीवित था तो बस मन का विश्वास। आस्था स्थल के ताले खुले हैं, लेकिन शासन प्रशासन के नियमों के तहत इन शर्तों में मंदिरों के घंटे घड़ियाल अब भी कैद हैं। शोपीस बने इन घंटे घड़ियालों की आवाज थम गई है। मंदिरों में सन्नाटा छाया रहता है। ऐसा लगता है कि इन घंटियों के साथ जीवन की खनक भी कहीं कैद हो गई है। भक्त मंदिर जरूर आते हैं, लेकिन मन में भ्रम लिए हैं। ना घंटी की आवाज, ना प्रसाद और ना ही कीर्तन की अनुमति। मंदिर में आने वाले भक्तों का कहना था कि दर्शन पूजा के लिए शर्तों में रखना ठीक नहीं है। यह हर एक की आस्था है। वहीं प्रशासन ने तय किया समय भी ठीक नहीं है। डर के कारण भक्तों की संख्या में कमी आई है, जिससे मंदिर में चढ़ावा भी कम आता है और मंदिर के सहारे अपना छोटा व्यापार करने वालों के सामने भी आर्थिक संकट घेरा गया है। प्रशासन को समय और शर्तों को लचीला कर राहत देकर धर्म का सम्मान करना चाहिए। सुभाष नगर रेलवे ट्रैक 81 क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण शुरू होने के कारण यह फाटक बंद कर दिया गया है। रेल प्रशासन और सेतु निगम इस ब्रिज का निर्माण कर रहा है। सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग के आसपास रहवासी क्षेत्रों का विस्तार होने से लंबे समय से ओवरब्रिज निर्माण की मांग की जा रही थी, जो पूरी हुई है। ब्रिज निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। निर्माण एजेंसी ने तेजी से काम शुरू किया है। साल के अंत में ब्रिज के आकृति लेने की संभावना जताई गई है। इस ब्रिज के निर्माण होने से कस्तूरबा नगर, मोहन नगर, डोंगरे नगर, सिंधु नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सुविधा हो जाएगी। तेज हवा आंधी चलने से एक पेड़ न्यू रोड पर सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से सड़क पर खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हुई। शुक्रवार की शाम को शहर में चली तेज हवा आंधी के कारण न्यू रोड पर सिंधी बिल्डिंग के सामने एक पेड़ सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से सड़क पर खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हुई है। पेड़ गिरने की सूचना नागरिकों द्वारा नगर निगम को दी गई। नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा, पेड़ को सड़क से हटाकर बाधित हुआ यातायात शुरू करवाया। चल रहा था, इसकी नींव पूरी कमजोर हो चुकी थी और चूंकि ये कमजोर प्रजाति का ही पेड़ है तो आज तेज बारिश और हवाओं में गिर गया। कोई जनहानि वगैरह कुछ? कोई जनहानि नहीं हुई। किसी के नुकसान वगैरह? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। बारिश के कारण ये झाड़ अचानक गिर गया है, ये तो खुदा का, भगवान का शुक्र है कि नुकसान नहीं हुआ। एक्चुअली कार को नुकसान हुआ है, जनहानि कुछ भी नहीं हुई है। नगर निगम को सूचना दे दी गई थी, JCB आई है और माली भी आए हैं इस झाड़ को काटने के लिए। सीवरेज लाइन हो या पानी की लाइन, खुदाई के बाद पेचवर्क नहीं होने से प्री मानसून के समय से ही संकट पैदा हो गया है। कहीं कहीं ठेकेदार ने रस्म अदायगी के लिए पेचवर्क किया, जो इतना घटिया है कि इस पेचवर्क ने हादसों को जन्म दे दिया है। ये है हाथीखाना रोड, जहां कुछ महीने पहले सीवरेज के लिए खुदाई हुई थी। बाद में ठेकेदार ने घटिया पेचवर्क किया, जिसकी शनिवार को पोल खुल गई। बारिश में पोली हुई खुदाई में ऐसा पानी भरा कि भारी वाहन के आते ही डामरीकरण उखड़ गया और गिट्टी से भरा डंपर फंस गया। इस तरह के हादसे शहर के अन्य क्षेत्रों में भी हो रहे हैं, जो मानसून के सक्रिय होते ही मुसीबत साबित होंगे। रतलाम में कोरोना संदिग्ध मानकर एक महिला का किया गया अंतिम संस्कार के दौरान चिता पर पीपी किट और ग्लव फेंके जाने की घटना का जावरा के माली समाज ने विरोध किया है। जावरा के माली समाज के प्रेम बनोबा के नेतृत्व में माली समाज ने एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में चिता में पीपी किट एवं ग्लव डालने की घटना की निंदा करते हुए आक्रोश जताया गया है। प्रशासन से दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये जो कल घटना रतलाम में हुई है,
शांतिबाई पति राधेश्याम माली निवासी जावरा गुरुनाक मोहल्ला की महिला थी। उनकी तबीयत सामान्य स्वास्थ्य खराब हुआ था, उसको लेकर के शंकास्पद में स्वास्थ्य विभाग ने उनको क्वारंटाइन किया था, लेकिन दो दिन के बाद जब उनकी रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई थी, उनको घर भेज दिया था। तीन दिन बाद फिर अमला आया तो उनको लगा कि शायद स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब है, उनको दोबारा लेके जाना पड़ा, लेकिन उनकी दोबारा भी रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसी रात को उनकी रतलाम मेडिकल कॉलेज में डेथ हो गई। ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि उनको कोरोना नहीं था, लेकिन एक सामान्य बीमारी से अगर मृत्यु हुई है उसके बाद भी मेडिकल प्रशासन ने और ज़िले के कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार उन्होंने जो उसको कोरोना प्रोटोकॉल में लेकर के उनकी मृत्यु को दर्शाया गया, परिवार को सूचना देरी से दी गई और उनसे कहा गया कि हम 9 बजे इनका अंतिम संस्कार भक्तन की बावड़ी रतलाम पर करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करेंगे। ठीक है, क्योंकि दुनिया में अभी महामारी चल रही है, सब देशत में, पूरी दुनिया देशत में आप और हम सब भी इसका बराबर पालन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी दुखद घटना है कि वह परिवार पूरा 8 बजे पहुंचा, लेकिन 1 बजे का समय था जब उस डेड बॉडी को लेकर आए और पूरे परिवार को उस बॉडी से बहुत दूर रखा गया। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी अधिकारी नहीं माने, कोई जवाबदार अधिकारी वहाँ नहीं आया था, दो पुलिस कोई चेहरा भी नहीं दिखने दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, खूब मिन्नत करने के बाद कहा गया उनके बालक के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा, कि हम एक बार चेहरा दिखा दें, नहीं हम नहीं दिखा सकते हैं। तो उनसे जब पत्रकार ने भी पूछा कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो कह साहब ये तो कोरोना हमें भी जानकारी नहीं है कि आई कि नहीं आई रिपोर्ट। फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो नेगेटिव थी दोनों बार। तीसरी बार उनका मृत्यु के बाद कोई रिपोर्ट आती नहीं है, लेकिन उनका अधिकारियों का ऐसा कहना है। उसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद जो हॉस्पिटल से कर्मचारी आए थे, उन्होंने अपना PPT किट उतार करके उस चिता में, जलती हुई चिता में अपना किट डाला, जो एक बहुत शर्मसार करने वाला है, जबकि सनातन धर्म में और मुस्लिम धर्म में दफनाने के साथ कोई गलत चीज़ नहीं डाली जाती है कब्रिस्तान में भी, इसी प्रकार से चिता में कोई ऐसी वस्तु नहीं डाली जाती है जो जिससे बहुत कुछ हानि हो सकती है या अमानवता हो सकती है। ऐसा कृत्य कल स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने किया है, उसी के विरोध में आज संयुक्त माली समाज राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड द्वारा, माली समाज के और अन्य साथियों के द्वारा ये आज हम यहाँ ज्ञापन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री और तीनों विधायक जिले के जो हैं उनके नाम से हमने ज्ञापन दिया, हम इसकी जाँच कराना चाहते हैं और उचित कार्रवाई कराना चाहते हैं। अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ है और हादसों की शुरुआत हो गई है। जिम्मेदारों की लापरवाही से गोवंश मौत के मुंह में समा रहे हैं। गत दिनों अलकापुरी चौराहे पर विद्युत पोल से करंट लगने से एक नंदी की मौत हो गई थी। आश्चर्य तो इस बात का है कि इस मौत के बाद भी विद्युत वितरण कंपनी और नगर निगम ने कोई सबक नहीं लिया। लिहाजा शनिवार सुबह सन सिटी के सामने सिटी 4 लेन के मध्य लगे विद्युत पोल से करंट लगने से फिर एक गोवंश की मौत हो गई। इस क्षेत्र में निगम ठेकेदार ने LED लगवा रहा है। ठेकेदार को पोल में करंट कैसे आ रहा है इसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार और नगर निगम अब तक चुप्पी साधे हुए हैं, शायद किसी इंसान की मौत का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह करंट लगने से गोवंश की मौत होना भी अपराध के श्रेणी में आता है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पुरोहित ने एन टाइम्स को बताया। कल रात्रि में बारिश हुई थी तो इसके पोल में करंट फैल गया, तो पूर्व में एक गांव में रविवार को भी उपरोक्त स्थान पर ही एक गाय की मृत्यु हुई थी, तो नगर निगम को इससे अवगत कराया और आज फिर सफाई दरोगा श्री चंदन भाई को हमने बताया, इन्होंने देखी देख कर उस गाय को यहाँ से हटवाया।